आपको क्यों लगता है कि मतलब रोहित शर्मा बेहतर हैं, और फ्यूचर में आपको क्या लगता है कि इट्स वो अच्छे कैप्टन साबित तो होंगे कि नहीं? जी बिल्कुल वो होंगे, क्योंकि उन्होंने पहले भी आपको जैसा पता ही है 6 बार उन्होंने जितवाया है। और कोहली जो है इंडिया के लिए अनलकी है, क्योंकि उसने 1 बार भी नहीं जितवाया। हेलो गाइस, पब्लिक रिएक्शन शो के साथ मैं हूं आपका होस्ट असाफ अली खान। आज का हमारा टॉपिक है कि इंडियन क्रिकेट टीम ने अपने नए कैप्टन का ऐलान किया है। रोहित शर्मा को दोनों फॉर्मेट्स का T20 और ODI का नया कैप्टन बना दिया गया है, जबकि विराट कोहली को कप्तानी से हटा दिया गया है। पाकिस्तानी पब्लिक का इस टॉपिक पर क्या रिएक्शन है, वो इसको कैसे देख रहे हैं, जानते हैं पाकिस्तानी आवाम से उनका रिएक्शन। इंडियन टीम क्रिकेट टीम के नए कैप्टन का ऐलान किया गया, रोहित शर्मा को नया कैप्टन बनाया गया, कोहली को हटा दिया गया। आप क्या समझते हैं, इट्स अ गुड डिसीजन और नॉट? यस, इट्स अ गुड डिसीजन, क्योंकि कोहली जो है वो अनलकी था इंडिया के लिए, और रोहित शर्मा ने 6 बार पहले भी IPL में जितवाया उनको, तो मेरे ख्याल में अच्छा ही है डिसीजन। जी मेरा ख्याल ठीक है, क्योंकि विराट कोहली की कप्तानी में अनलकी रहे हैं कि इतने मैचेस नहीं जीते, तो इसलिए इन्होंने फैसला किया कि रोहित शर्मा को बनाया जाए, मे बी ये ज़्यादा से ज़्यादा अचीवमेंट हासिल कर सके। ये बेहतर डिसीजन, क्योंकि विराट कोहली जो कैप्टन बना ना, वो फिर जो है ना, वो जब भी खेलते तो प्रेशर से खेलते थे, जिस तरह धोनी ने टीम को आगे ले गया था, तो इसी तरह जो है ना विराट कोहली जो है ना टीम को आगे नहीं ले जा सके, और इसलिए उन्होंने उसकी बैड लक, उसकी गुड लक बहुत चाह रही है, जिसकी वजह से उन्होंने उसे आगे कर दिया। उसकी गुड लक अच्छी चाह रही है तो वो आगे आया ना। लेकिन विराट कोहली ने फिर ऐसे परफॉर्मेंसेस भी दिखाए हैं, इन मतलब वर्ल्ड टॉप बैट्समैन है वो, रोहित शर्मा भी है, लेकिन विराट कोहली की जो परफॉर्मेंस है वो रोहित शर्मा से फिर आ गया, तो मुझे नहीं लगता कि रोहित शर्मा को इतना दिखा नहीं पाया। रोहित शर्मा को नया कैप्टन बना दिया गया इंडिया का, विराट कोहली को हटा दिया गया ODI T20 से, आपको क्या लगता है कि ये बेहतर डिसीजन है, गुड डिसीजन? हाँ जी, बेहतर डिसीजन होगा ना, जाहिर बात उन्होंने फैसला किया तो बेहतर डिसीजन होगा। जी ये ठीक है डिसीजन, ठीक है ये रोहित शर्मा ठीक है। आपको क्यों लगता है कि मतलब रोहित शर्मा बेहतर हैं, और फ्यूचर में आपको क्या लगता है कि इट्स वो अच्छे कैप्टन साबित तो होंगे कि नहीं? जी बिल्कुल वो होंगे, क्योंकि उन्होंने पहले भी आपको जैसा पता ही है 6 बार उन्होंने जितवाया है, और कोहली जो है इंडिया के लिए अनलकी है, क्योंकि उसने 1 बार भी नहीं जितवाया इंडिया को वर्ल्ड कप, तो मेरे ख्याल में अच्छा ही है। एज अ प्लेयर आपको कोहली अच्छे लगते हैं या रोहित शर्मा? सिचुएशन में जो अभी की है उसके लिए तो रोहित शर्मा ही बेस्ट है। रोहित शर्मा बेस्ट जी, लेकिन एज ए कैप्टन बेस्ट है या एज ए प्लेयर बेस्ट है? वो एज अ कैप्टन बेस्ट है। कैप्टन बेस्ट है। हाँ। एज ए प्लेयर आपको दोनों में से कौन अच्छा लगता है? मुझे कोहली अच्छा लगता है। कोहली अच्छा लगता है एज अ प्लेयर। एज ए प्लेयर या और एज ए कैप्टन? वो रोहित शर्मा। रोहित शर्मा अच्छा। तो आपको क्या लगता है कि रोहित शर्मा फ्यूचर में बेहतर कैप्टन साबित होंगे? जी बिल्कुल, वो अच्छी बैटिंग करते हैं माशाल्लाह, ओपनिंग में आते हैं तो एक दफ़ा जब खड़े हो जाते हैं विकेट पे तो फिर आउट नहीं होते। तो आपको क्या लगता है कि रोहित शर्मा एक बेहतर कैप्टन साबित होंगे? हाँ बिल्कुल, क्योंकि रोहित शर्मा जब भी खेलते हैं वो प्रेशर के बगैर खेलता है, तो वो इंशाल्लाह जो है ना इंडिया टीम को आगे ले जाएंगे। रोहित शर्मा आपको लगता है कि इंडिया को कोई टाइटल जितवा पाएंगे, T20 वर्ल्ड कप, चैंपियन ट्रॉफी वर्ल्ड कप, लगता है आपको? दोनों प्लेयर ही बहुत अच्छे हैं, मुझे तो लगता है शायद जितवा सकते हैं। तो नहीं लगता कि कैप्टेंसी के मामले में विराट कोहली थोड़ा अनलकी है और रोहित शर्मा थोड़ा लकी है इस हवाले से, इसीलिए उनको कैप्टन बनाया गया? हाँ ये भी हो सकता है, लेकिन लक और अनलक के ऊपर तो कैप्टेंसी का वो नहीं किया जा सकता ना, क्योंकि कैप्टेंसी जो होती है वो परफॉर्मेंस के ऊपर की जा सकती है, उसके उसके ऊपर नहीं की जा सकती है, अलग के ऊपर। मैं ये बोल रहा हूँ कि विराट कोहली अगर वो नहीं हो पा रहा, सही तरह नहीं हो पा रहा, तो एक दफ़ा रोहित शर्मा तो चांस दिया है ऐसे कैप्टन बनने के लिए। आपको क्या लगता है कि जो रोहित शर्मा कैप्टन बने हैं ये बेहतर कैप्टन साबित होंगे, फ्यूचर में कोई कप जितवा पाएंगे? इंडिया विराट कोहली की कैप्टेंसी में कोई बड़ा टाइटल नहीं जीता ना, IPL में RCB उनकी टीम कोई बड़ा टाइटल जीती है, तो क्या कहेंगे आप रोहित शर्मा के फ्यूचर के बारे में, आपको क्या लग रहा है? रोहित शर्मा के चांसेस आए आगे, मे बी वो आगे लेके आ सके। तो कोहली को जो हटाया गया आपको नहीं लगता कि ये बुरा डिसीजन? नहीं नहीं ये ठीक है, ठीक डिसीजन। हाँ जी, रोहित शर्मा बेहतर कैप्टन? बेहतर कैप्टन। रोहित शर्मा से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये अभी एक दो सीरीज में पता चल जाएगा। एक दो सीरीज में? हाँ नहीं अभी स्टार्ट है, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये ठीक रहेगा। तो आपको क्यों क्या लगता है कि विराट कोहली को कैप्टेंसी से क्यों हटाया गया, रोहित शर्मा को क्यों बनाया गया, क्या वजह? अंदर की सियासत तो नहीं कह सकते, लेकिन यही है कि अनलकी रहे हैं, लेकिन विराट कोहली की बैटिंग अच्छी है, लेकिन कैप्टेंसी नहीं सही साबित हुई।
कोहली थोड़े अनलकी हैं, रोहित शर्मा थोड़े लकी हैं, इसी वजह से उनको चांस भी मिला। हाँ इंशाल्लाह ये आगे ले जाएगा इंडिया टीम को, ये जो आ रहे हैं वर्ल्ड कप T20 के, इसमें जो है ना चांसेस बहुत ज़्यादा है इंडिया को जो है ना वर्ल्ड कप जीतने के, क्योंकि रोहित शर्मा की बैटिंग से पता चलता है कि वो जो है ना प्रेशर के बगैर इंशाल्लाह खेलेगा और इंडिया की टीम को आगे ले जाएगा।